नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सुषमा। हम हर रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। तो चलिए जानते हैं कि अंक के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य आपके अपने इस खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दोस्तों, हर दिन आपके लिए नई रोशनी, नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आता है और ज्योतिष की हर विद्या से हम खुद का भविष्य जानना चाहते हैं। तो आज अंकों के अनुसार आपका भविष्य क्या कहता है, अंकों के अनुसार आपके आने वाले पल में क्या होने वाला है बताएंगे और साथ ही चर्चा होगी वाहन खरीदने पर भी। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रग सुथार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामना। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आने वाला कल, आज का भविष्य। और शुरुआत करेंगे मूलांक एक से। मूलांक एक से तात्पर्य 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों से। आपका मनोबल कमजोर भी हो सकता है, आमदनी बढ़ सकती है, रुके हुए काम दोस्तों की मदद से पूरे होंगे, इसलिए दोस्तों का पूरा सहयोग लें। परिवार और पैसों के मामले आसानी से निपट जाएंगे। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है आज आपको। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, मूलांक एक के लिए तो नीला जो रंग रहता है भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा आपके। मूलांक दो, चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है, फालतू खर्चा करने से बचें, अच्छे समय का थोड़ा इंतजार कीजिए। छात्र वर्ग स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी में विवाद से बचने की कोशिश करें, छोटे फायदे से ही मन खुश हो जाएगा। और जहां तक शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक दो के लिए, लाल जो रंग रहता है दर्शकों, खान पान के अंदर, इंटीरियर के अंदर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक तीन, हमारे सत्ता पक्ष का अंक है बृहस्पति का अंक है, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए। नौकरी पैसा लोगों के लिए समय ठीक ठाक ही रहेगा। कई तरह के मानसिक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन परेशान न हो, थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य में अगर बात करें, घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। मूलांक तीन के लिए शुभ रंग अगर हम बात करें, हरा जो रंग रहता है विशेष रूप से खान पान के अंदर, और किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आपके लिए हरा रंग भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। और बिल्कुल, और यहाँ पर पंडित जी एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए, हिमाचल से अभिषेक जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश से। अभिषेक, अपना सवाल पूछिए। पंडित राम नमस्कार। पंडित जी, मेरे को ये पूछना था कि अभी मेरा टेस्ट है, मतलब 12 मई को, तो कैसा रहेगा और क्या करूँ मैं उसके लिए कुछ खास? अभिषेक जी, 28 अक्टूबर 2, 8, 1 का अंक अपने आप में सूर्य का, 12 तारीख को एग्जाम, वह 1 और 2, 3 के अंक में सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, मेहनत पूरी कीजिए, तैयारी पूरी कीजिए। आप सूर्य प्रधान हैं, माता पिता के चरण स्पर्श प्रतिदिन कीजिए और एग्जाम वाले दिन विशेष रूप से कीजिए। जितना आप माता पिता की सेवा करेंगे आपका सूर्य उतना ही बलिष्ठ रहेगा। आपको ज्योतिष उपचारों की बजाय परिवार के जो घर के मेंबर रहते हैं उनका मान सम्मान करना, नारी शक्ति के मान सम्मान करने से 9 के 9 ग्रह प्रबल रहेंगे, एग्जाम भी अच्छा रहेगा, आने वाले दिनों में बड़ी सफलता मिल जाएगी। और हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ गए हैं, अजमेर से नूतन जुड़ गए हैं। नूतन, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी, मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उससे जहाँ भी संबंध के बारे में बात करते हैं, जब कभी कोई कोई बात अड़चन लगते हैं तो फिर होता ही नहीं रिश्ता, ये कब होगा पंडित जी? जी नूतन जी, आपकी गुड़िया कीर्ति की जन्म की तारीख 1 अप्रैल 1990, 1 मूलांक में और 6 भाग्यांक। ये जो सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन रहता है, शुक्र प्रधान जो 6 अंक वाले रहते हैं, जिनके ऊपर 6 का प्रभाव ज़्यादा रहता है, वह उन महिलाओं के दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है विवाह के अंदर। 6 के अंक वालों को देवी के श्रृंगार का जो सम्मान रहता है, शुक्रवार वाले दिन किसी भी देवी मंदिर में चढ़ाना चाहिए। 8, 17 और 26 को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अपने आसपास के सराउंडिंग है, उनमें 1, 3 और 9 के अंक के लोगों से मित्रता रखनी चाहिए, तो उससे विवाह संबंधित कार्य भी हो जाएगा। 2019 आपकी गुड़िया के लाभदायक है,
काम बन जाएगा, विवाह संबंधित बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। और एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से अशोक जुड़ गए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1985, यानी कि 19 मई 85। अशोक अपना सवाल पूछे। जी मैं आजादी LLB कर रखती हूँ, बगालत करता हूँ, मेरी किस क्षेत्र में ग्रोथ होगी, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है मेरी? जी किस क्षेत्र में उनकी जॉब लग सकती है? 19 तारीख, वही 1 और 9, एक कांग सूर्य का, लेकिन सूर्य को मंगल का पूरा सपोर्ट है, तब जमीन संबंधित कार्य कर सकते हैं। और नौकरी की अगर बात की जाए तो 2020 जो कैलेंडर वर्ष रहेगा वह सूर्य प्रधान रहेगा, अगले वर्ष नौकरी लगने के योग बनते हैं। आप बजरंगबली के मंदिर में मंगलवार को 2 लौंग का जो मीठा पान रहता है वह चढ़ाइए, तो मेहनत में सफलता भी बड़ी मिलेगी और जो चंद्रमा का दोष है वह खत्म हो जाएगा। और हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ गए, कोटा से साहिल जुड़ गए हैं, जो अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं। साहिल अपना सवाल पूछिए। वो मेरे पापा हैं ना, सोते बहुत हैं। साहिल डेट ऑफ बर्थ आप अपना बता सकते हैं पापा का? वो पता नहीं है मुझे। आपको अपना भी नहीं पता? आपकी बर्थडे कब होती साहिल? नहीं पता। अच्छा पूछिए, साहिल को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पापा की भी नहीं पता। जी प्रश्न कीजिए। साहिल पूछिए। पापा हैं ना बहुत छोटे हैं जी, उठने का नाम ही नहीं लेते, बहुत सोते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। खैर ये तो दूसरी समस्या हो गई, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं ये। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर हम अपने सौभाग्य की बात करते हैं या श्रृंगार की बात करते हैं तो बिंदी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बिंदी का महत्व कितना ज्यादा है, आज इस पर चर्चा करेंगे, पंडित जी से जानेंगे। तो पहला सवाल पंडित जी यही है कि बिंदी का आखिर क्या महत्व होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो? दर्शकों, नारी शक्ति को जो पहली नजर देखा जाता है तो उनके ललाट पे लगने वाली बिंदी पे हमारी सीधी नजर जाती है, और नारी शक्ति खुद स्वयं जब बिंदी लगाती है तो श्रृंगार में बढ़ोतरी होती है, सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। लेकिन बिंदी के पीछे के रहस्य की अगर बात की जाए तो बिंदी सदैव गुरु की कारक मानी जाती है, और प्लेनेट के अंदर जुपिटर जो गुरु है सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और देव गुरु माना जाता है। तो बिंदी लगाने से महिला शक्ति, नारी शक्ति का गुरु प्रबल होता है, और जिस महिला शक्ति का गुरु प्रबल होता है उनका वैवाहिक जीवन सर्वश्रेष्ठ रहता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, शिक्षा में भरपूर फायदा मिलता है। तो बिंदी लगाना हर तरह से लाभदायक रहता है। बिल्कुल, और कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करना होता है तो यहीं पर वो बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है जिस पर आपको फोकस करना होता है, और इसलिए बिंदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर हम पंडित जी देखें बिंदी के आकार की बात करें या उसके शेप की बात करें तो क्या वो भी बहुत महत्व रखता है? बिल्कुल, बिंदी के आकार की अगर बात की जाए तो जितना बिंदी का साइज बड़ा होता है उसका प्रभाव उतना ज्यादा रहता है। बिंदी का अगर आकार कम हो तो उसकी प्रभाविकता थोड़ी कम हो जाती है। मूलांक 2, 5, 7 वालों को सदैव छोटी बिंदी लगानी चाहिए। मूलांक से यहाँ फिर बता दूं दर्शकों, तात्पर्य हमारी जन्म तारीख से, अगर किसी की जन्म तारीख 11 है तो 1 और 1 2 का अंक हो गया, तो इन अंक वालों को छोटी बिंदी लगानी चाहिए। मूलांक 1, 3, 4 वालों को मध्यम आकार की जो बिंदी रहती है चने के दाल के मुताबिक उतनी बिंदी लगानी चाहिए, और बात करें मूलांक 6, 8 और 9 वालों को बड़ी बिंदी लगानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग, इस तरह की महिलाएं फील्ड में बहुत ज्यादा काम करती है। मूलांक 6 और 8 और 9 वाले तो उनको बड़ी बिंदी लगाने से प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, राजनीति में बड़ी सफलता दिलाता है। चलिए इस पर और बात करेंगे कि बिंदी के रंग का क्या प्रभाव होता है, लेकिन उसके पहले एक व्यूअर जयपुर से जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश अपना सवाल पूछिए। जी जयप्रकाश। हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि मेरे को जयपुर में काफी साल हो, 4-5 साल मकान की ट्राई कर रहा हूँ, बैठ नहीं रहा है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जयप्रकाश। हेलो, हाँ जयप्रकाश अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जयप्रकाश, टीवी को वॉल्यूम कम कर लीजिए और सीधे हमसे बात कीजिए। 13/7/75 इनकी डेट ऑफ बर्थ। 13 तारीख, जमीन संबंधित प्रश्न है, सिंह लगन वाले हैं। सिंह लगन वाले व्यक्ति को हमेशा महिला के नाम से अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शोरूम, दुकान, घर, कुछ भी खरीदे, जमीन संबंधित महिला शक्ति के नाम से खरीदिए, आपको लाभ भी रहेगा, और महिला के नाम से खरीदने का भाव अगर मन में रहेगा तो आप जमीन बहुत जल्दी खरीद लेंगे। सिंह लगन वालों को कभी भी अपने नाम से जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा वो फलित में थोड़ा सा कमजोर रहती है। एक और व्यूअर जुड़ गए, अलवर से जुड़ गए अशोक। अशोक अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी। जी सर्विस के बारे में पूछना, बच्चे सर्विस के बारे में पूछना। जी तो अशोक अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप बता दीजिए।
6/10/1992 जी, 6 का अंक वही शुक्र का अंक है। सरकारी नौकरी के लिए 6 का अंक शुक्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और प्राइवेट के अंदर भी अगर आप मीडिया लाइन के अंदर जाने जाते हैं, फिल्म मॉडलिंग और एंकरिंग का जो फील्ड रहता है उसमें भी 6 के अंक वाले भरपूर सफल रहते हैं। मेहनत के बिना कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन शुक्र प्रधान है तो आप सरकारी नौकरी के अंदर और प्राइवेट के अंदर दोनों में बड़े सफल रहेंगे। मेहनत कीजिए, चलित में समय अच्छा चल रहा है, बृहस्पति का उपचार जरूर कीजिए, पीले रंग का पुखराज धारण कीजिए, जिससे कोई छोटी मोटी अगर रुकावट है तो वह खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और क्या कुछ करना है वो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और उसे आप अप्लाई भी करेंगे। लेकिन इसके पहले हम बात कर रहे थे बिंदी की, जो कि एक महिला का सौभाग्य भी होती है, श्रृंगार भी होती है, खूबसूरती को बढ़ाती है, तो साथ ही साथ भाग्य को भी बलवती करती है। इस पर हमने बिंदी के साइज को लेकर बात की, लेकिन कलर्स भी बहुत मैटर रखते हैं। बिंदी अगर लाल रंग की हो पंडित जी, तो उसका क्या प्रभाव होता है? दर्शकों, लाल रंग अपने आप में नारी शक्ति का, जब श्रृंगार की बात होती है तो तमाम श्रृंगार में लाल रंग की अधिकता देखी जाती है। लाल रंग शक्ति का और वीरता का प्रतीक होता है। लाल बिंदी लगाने से मन में किसी भी प्रकार का डर हो तो वह खत्म हो जाता है, हिम्मत बढ़ती है, सोच और मन दोनों हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। आदमी जो महिला शक्ति रहती है, पुरुष प्रधान समाज में भी अपनी प्रभाविकता लाल बिंदी के सहारे साबित कर सकती है। लाल बिंदी में इतना आकर्षण का केंद्र रहता है, इतनी पावर रहती है। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आत्मशक्ति आ गई तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अब ऐसे में हरे रंग का भी अलग महत्व होता है पंडित जी, तो हरे रंग की बिंदी का क्या प्रभाव होता है ये भी बताइए। दर्शकों, बहुत बार देखा जाता है कि लाल बिंदी ही सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, लेकिन बिंदी के कलर को हम हमारे भाग्य के साथ जोड़ के अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। अगर कोई महिला शक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, तबीयत सही नहीं रहती, स्वास्थ्य उठापटक में चलता रहता है, हरी बिंदी शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है, स्वास्थ्य सही रहता है, मन को प्रसन्न रखती है, सोच का जो हमारा दायरा रहता है उसको बढ़ाती है, सहयोग की जो भावना रहती है, परिवार को एक साथ लेकर चलने की जो भावना रहती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रहती है वह नारी शक्ति के अंदर प्रबल रहती है। तो हरे रंग की बिंदी सीधा स्वास्थ्य और मन के ऊपर प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य में अगर दिक्कत हो तो हरे रंग की बिंदी का भरपूर प्रयोग करें। तो बिल्कुल, अगर 1, 2, 3 का भविष्य कैसा रहने वाला है, आज का दिन कैसा रहने वाला है वो बताया। अब बारी है मूलांक 4, 5, 6 की, तो पंडित जी 4, 5, 6 के मूलांक क्या कहते हैं? जी दर्शक, मूलांक 4 राहु का केंद्र माना जाता है। मूलांक 4 बदलते मौसम के कारण बच्चों को सामान्य बीमारी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मेहनत के दम पर खुद को साबित करने में आप सफल हो सकते हैं। जमीन से प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद भी आज सुलझ सकता है, दिन अच्छा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफेद जो रंग रहता है भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है, दिमागी उलझन से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार, दोस्तों और अधिकारियों से आपको लगातार मदद मिलती रहेगी। आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए मौके मिल सकते हैं, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, लेकिन सावधानी से आगे बढ़े और कॉन्फिडेंस में कोई गलती न कर बैठे। मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला जो रंग रहता है दर्शकों, विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है, कोई अपना ही इंसान आपको धोखा दे सकता है, आपको आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिल सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है, जो चिंता का विषय हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में बहुत मधुरता रहेगी। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग अगर हम बात करें, स्लेटी जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। और एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गई है, अलवर से कविता जुड़ गई है, जो अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहती है पंडित जी, और डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 2001। कविता अपना सवाल पूछे। पंडित जी नमस्कार। कविता जी, पंडित जी मेरी बेटी के बारे में पूछना है कि इसका पढ़ाई में तो इंटरेस्ट कम है, तो वो सोचता है कि मैं आगे क्या करूंगा कैरियर में, किस बिजनेस में जाऊं। दूसरी, इसके पापा के साथ कम पड़ती है। पढ़ाई को लेकर ही अक्सर पिटाई होती होगी या डांट पड़ती होगी। 24 जून 2001, 24, 2 और 4, 6 का अंक शुक्र का, लेकिन
चंद्रमा और गुरु ने मिलकर शुक्र का निर्माण किया है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छे से सफल होते हैं। लग्जरियस जो आइटम रहते हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सीधा मार्केट में सेल करने वाली चीज़ होती है, महंगी जो चीज़ें रहती है, उनका अगर ये व्यापार करे, महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी तरह की अगर चीज़ों का अगर व्यापार करे, तो उनमें बड़ी सफलता मिलेगी। साझेदारी में व्यापार करना नुकसानदायक रहेगा। चलित में 19 जून 2019 के बाद अगर कोई विशेष कार्य उनको करवाते हैं तो सफलता भी रहेगी और वो निरंतर व्यापार चलता रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है, जो भी कंपनी या फर्म अगर शुरू करें तो नारी शक्ति या महिला प्रधान नाम के ऊपर कीजिए। और महाराष्ट्र से एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गई हैं, गीता। अपने बेटे अंकित के बारे में वो जानकारी चाहती हैं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1994। गीता पूछिए अपना सवाल। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार गीता जी। गुरु जी मेरे बेटे का नाम है अंकित और उसके डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1994 और सवेरे का जन्म है 6:02 और जन्म स्थान है चंद्रपुर महाराष्ट्र। गुरु जी जी, गुरु जी मुझे ये पूछना है कि इसने 24 अप्रैल को एक नीटी कॉलेज है मुंबई में गवर्नमेंट का, तो उसमें एक इंटरव्यू दिया है, अगर वो पास होता है तो उधर 2 साल का MBA करेगा, तो गुरु जी क्या ये पास होगा वो इंटरव्यू को? जी, 3 मूलांक 7 भाग्यांक, अपने आप में गुरु और केतु का अंक बनता है। और जो इंटरव्यू दिया है वो 24 तारीख 2 और 4 6 के अंक में केतु प्रधान व्यक्तियों को शुक्र के टाइमिंग में सफलता मिल जाती है। दिन बहुत अच्छा था, सफलता भी मिल जाएगी। और MBA जो मैनेजमेंट का रहता है, तो केतु प्रधान व्यक्ति मैनेजमेंट की लाइन में जाएं तो उनमें भी उनको सफलता मिल जाती है। समय अच्छा चल रहा है, आपने जो राह चुनी एजुकेशन के अंदर वह भी परफेक्ट है, बस मेहनत में कमी न रखें, जब भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। और एक और व्यूअर जुड़ गई, अजमेर से रुचि जुड़ गई हैं और डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1970। रुचि अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रुचि। हाँ जी, मैंने इसलिए पूछना था कि मेरे लाइफ में बेटे का योग है, मेरी 9 साल की लड़की है। 9 साल की बेटी है और बेटे का योग्य है कि? जी, 28 तारीख वही 2 और 8 चंद्रमा और शनि ने मिलकर सूर्य का निर्माण किया है। चंद्रमा और शनि अपना आप में ग्रहण योग बनाते हैं और बॉय जो लड़का रहता है उसका योग हमेशा सूर्य की प्रबलता से बनता है। आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्त्रोतम के पाठ कीजिए और जब भी मौका मिले, जब भी, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, वार की कोई बाउंडेशन नहीं है, जब भी समय मिले तो गाय को गुड़ का जो दान रहता है वह कीजिए, तो सूर्य प्रबल रहेगा, बॉय के योग बनते हैं। आपकी कुंडली में 2 पुत्र का योग बनता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। और चलिए अब चर्चा करते हैं बिंदी पर, जो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग कलर की बिंदियाँ बहुत खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन इनका कितना असर आपकी किस्मत पर पड़ता है, आपकी कार्यशैली पर पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो हमने ब्रेक पर जाने से पहले लाल और हरे रंग की बिंदी का जिक्र किया था, अब बात करते हैं पीले रंग की बिंदी का। तो गुरु जी, पीले रंग की बिंदी का क्या प्रभाव होता है? दर्शकों, महिला और शक्ति के अंदर एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि उनको कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता, वह कभी आकर्षण का केंद्र नहीं रहती। जब कहीं भी खड़ी होती है तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, उनको प्राथमिकता कम दी जाती है। ससुराल में भी जाती है तो उनकी कम सुनी जाती है, दूसरे लोगों की सुनी जाती है। पीला जो रंग रहता है वह आत्मसम्मान को बढ़ाता है, आकर्षण क्षमता को बढ़ाता है, लोगों के बीच एक अलग प्रभाव बनाता है। मूलांक 1, 3, 5 और 9 वालों को विशेषकर पीली बिंदी लगानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रभाविकता कम है तो पीले रंग की बिंदी का भरपूर प्रयोग कीजिए, आप अपने आप में ऑटोमेटिक प्रभावशाली बन जाएंगे। और यूँ तो अगर कहते हैं कि अलग अलग कलर्स के साथ मैचिंग की अलग अलग बिंदी लगाई जाती है, लेकिन अब मल्टी कलर्स का भी बहुत ट्रेंड है कि आप मल्टी कलर्स की ड्रेस पहनते हैं या बिंदी लगाते हैं तो सब पर चल जाता है। अब ऐसे मल्टी कलर की बिंदी का क्या प्रभाव होता है वो भी जान लेते हैं। गुरु जी, मल्टी कलर क्या कहता है? दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष महिला शक्ति जो रहती है आजकल पार्टी शादियों में अपने अनुसार मल्टी कलर की बिंदी लगाती है, लेकिन जो आपके मूलांक है, जो ग्रहों की प्रभाविकता है, उनमें तो 1 या 2 ही रंगों का समावेश रहता है। और आपने मल्टी कलर की अगर बिंदी लगा ली तो ग्रहों का तालमेल बिगड़ जाता है। केवल किसी कार्यक्रम शादी विवाह में ही मल्टी कलर की बिंदी लगानी चाहिए। घर में ज़्यादा मल्टी कलर की बिंदी लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, विवाद हो सकता है। मूलांक 6 और 7 वाले मल्टी कलर की बिंदी लगा सकते हैं। काले रंग को लेकर अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन काले रंग की बिंदी की अगर बात करें तो उसका कितना प्रभाव होता है गुरु जी? क्योंकि काले रंग की बिंदी को लेकर कुछ लोग उसे अच्छा भी बताते हैं और कुछ लोग उसे बुरा भी कहते हैं। दर्शकों, काला जो रंग रहता है शनि का माना जाता है, शनि प्रधान होता है, तो मूलांक 6 शुक्र और मूलांक 8 शनि वाले काले रंग की बिंदी लगा सकते हैं।
बाकी अंक वाले शादी विवाह पार्टी के अलावा काले रंग की बिंदी का उपयोग न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, अनचाहा पति से या भाई से विवाद हो सकता है। चलिए, ये बिंदियों के कलर्स की बात रही, साइज की बात रही, किस तरह से आप अपने सौभाग्य को, अपनी खूबसूरती को इन बिंदियों के जरिए बढ़ा सकते हैं, कलरफुल बिंदियों के जरिए। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए, भीलवाड़ा से आस्था जुड़ गई है। आस्था, अपना सवाल पूछिए। जी आस्था। हाँ गुरु जी नमस्ते। नमस्कार आस्था जी। सर मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1981 शाम को 5 बजे। मेरे भविष्य के बारे में पूछना, मैंने लॉ किया है सर। आस्था जी 23 तारीख 2 और 3 5 का अंक चंद्रमा अपने आप में सोचने समझने की शक्ति का, 3 भाग्य का और 5 का अंक जो मूलांक वह वाक्पटुता का माना जाता है, वकालत का जो आपने फील्ड चूज किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना रहता है, अच्छे अच्छे वकीलों को अपने शुरुआती करियर में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एक सफल वकील आप साबित हो जाएंगी। आप मेहनत करती रहिए और वकालत का जो अंक रहता है 5 वो भगवान श्री गणेश का माना जाता है। गणेश वंदना, गणेश पूजा, गणेश अथर्वशीष के पाठ करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के, कि क्या कहते हैं इनके मूलांक इनके आज के दिन के लिए। जी दर्शक, मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए व्यापार करने वालों के लिए समय ठीक रहेगा। पैसों के लेन देन में सावधान रहे, किसी को भी उधार पैसा बिल्कुल भी न दें। नौकरी पैसा वालों को बड़े लोगों से मदद मिलेगी, बड़ों से तात्पर्य आपके जो ऑफिस में अधिकारी हैं, बॉस हैं, उनसे, लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, पीला जो रंग रहता है वह विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है, कोई आपको कन्फ्यूज भी कर सकता है। स्टूडेंट्स को पूरा मन लगाकर पढ़ाई करें तभी सफलता मिलेगी और वो जरूर मिलेगी। मौसमी बीमारियों से बचकर रहिएगा, स्वास्थ्य का पाया कमजोर है, खाने पीने का खास ध्यान रखें, सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी, काम काज पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें, दूसरों की देखा देखी ना करें, शिक्षा राजनीति और कानून के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मूलांक 9 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, गुलाबी जो रंग रहता है दर्शकों, कपड़ों के अंदर विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने मूलांक के हिसाब से आज का दिन कैसा रहना है और क्या कुछ आप एहतियात बरतें वो पता चल गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें गुड लक टिप्स की, एक न्यूमरोलॉजी टिप्स की, तो चलिए उस पर बात करते हैं। आज का क्या टिप है दर्शकों? न्यूमरोलॉजी टिप्स में अगर बात की जाए, यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, कोई काम नहीं बनने देते, तो आप प्रतिदिन जो खाने वाला एक पान रहता है, पान का पत्ता, प्रतिदिन एक पान का पत्ता काटिए और उसको पानी में या पौधों में डाल दें, तो उससे आपके शत्रु भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और शत्रुओं के विनाश से आपके आगे की राह आसान हो जाएगी। और कुत्तों को बिस्किट भी डालना हमेशा शत्रुओं का दमन करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम व्यूवर्स के सवालों को जवाब देने के लिए। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।